महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैसलमेर में 3 महाविद्यालयी छात्राओं को निजी संस्थानों की ओर से छात्रवृत्ति देकर उन्हें अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। छात्रवृत्ति प्राप्त महिलाओं में एक पाक विस्थापित हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली परिवार की इकलौती लड़की हैं। वहीं दूसरी छात्रा भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की हैं। इन छात्राओं ने छात्रवृत्ति लेने के पश्चात अपने विचार साझा करते हुए बताया कि छात्रवृत्ति की राशि मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों और कॉलेज प्राचार्य ने महिलाओं के उत्थान के लिए इन प्रयासों की सराहना की। आगे लाने का प्रयास है और उन्होंने आज टोकन के रूप में हमारी 3 छात्राओं को 15-15 हज़ार की स्कॉलरशिप दी और ये निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उनके परिवार को संबल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और ऐसा संगठन जो भारत का प्रतिष्ठित संगठन संगठन है, जो औद्योगिक घरानों से जुड़ा हुआ है, यदि वह यहाँ इस प्रकार से सहयोग करेगा तो निश्चित ही हमारी गर्ल्स को, हमारी छात्राओं को, हमारे यहाँ की जो शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं पाकिस्तान से आई हूँ, जो मैं पहली लड़की हूँ, पहली बच्ची हूँ जो मैं यहाँ पर कॉलेज कर रही हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है 15,000 रुपये, क्योंकि कोलकाता संगठन से मुझे उन्होंने हमारा सहयोग किया जो हमें स्कॉलरशिप मिल रही है। मेरे परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और यहाँ पर कोलकाता से फिक्की मेंबर्स आए हुए हैं, ये भी वो स्कॉलरशिप मिलेगी कि बढ़ूंगी और मुझे ये लाभ मिल रहा है। मैं अपनी बहनों को भी बताऊंगी कि ऐसा लाभ मिल रहा है, तो यहाँ के आसपास की बहनें हैं उसको बताऊंगी, वो भी आगे बढ़ेगी। और जैसलमेर आके हम इस कॉलेज में आए और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे महिलाओं का इतना अच्छा एक कॉलेज है और यहाँ सब पढ़ के आगे जाके अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो हमने साथ में जुड़ने का फैसला लिया और हम बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे हमने महिलाओं को सपोर्ट किया है और यहाँ पे थोड़ा ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं ताकि ये कॉलेज बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अच्छे से शिक्षित करें।